आज हम सबके फेवरेट मोदक बनाएंगे, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से और नए तरह से। तो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाएंगे। आप देख सकते हो कितने खूबसूरत ये मोदक लग रहे हैं। आपको इसमें तलना नहीं है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। बहुत ही इजी रेसिपी है और घर के बेसिक इंग्रेडिएंट से बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से मोदक बना लेते हैं। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें कढ़ाई में लेना है 2 चम्मच घी। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल लाइक मेल्टेड घी ले रहे हो तो 2 चम्मच लगेगा, और अगर आप नॉर्मल घी ले रहे हो तो आपको 1 चम्मच ही घी इसमें डाल देना है। अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम डाले हैं। हल्के से इन्हें इसमें हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इनमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए। और बस आधा ही मिनट इन्हें मैंने भुना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। तो ये बिल्कुल बारीक वाली सूजी है, तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा। अगर आपके पास नॉर्मल सूजी है घर में, लाइक 2 और तरह की सूजी आती है जो थोड़ी मोटी वाली होती है, तो आप एक काम कीजिएगा, मिक्सर में से उसे अच्छी तरह से फाइन पाउडर उसकी कर लीजिएगा। और अगर आपको इसमें मोटी सूजी भी यूज़ करनी है तो आप इसमें ऐड कर लेना। बस आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर 1/2 कप दूध ऐड करना पड़ेगा। और बस इन्हें अच्छा ऐसे कलर चेंज होने तक हमें भून लेनी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास सूखा नारियल है तो आप उसे ग्रेट करके नारियल का बुरादा इसमें डाल सकते हैं। और इन्हें भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अभी ये जो डेसिकेटेड कोकोनट है ना, इसे भूनने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम आपको लो रखनी है और हार्डली इसे 1/2 से 1 मिनट के लिए हमें भून लेना है, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी बहुत गर्म है और जो इसके अंदर सूजी हमने भुनी थी वो भी काफ़ी गर्म है। इस वजह से ना कोकोनट बहुत ही जल्दी यहाँ पर भुन करके तैयार हो जाएगा। अगर आपने इसे ज़्यादा देर भून लिया ना तो इसका कलर चेंज होने लगेगा और इसमें से स्मेल आने लगेगी थोड़ी जली हुई, तो यहाँ पर मोदक का टेस्ट बिगड़ सकता है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप इसे कंटिन्यूसली चलाएँ और बस 1/2 से 1 ही मिनट आपको इसे भून लेना है। तो हल्की हल्की सी ना खुशबू आने लगेगी और थोड़ा यहाँ पर ऑयल रिलीज़ होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टेप पे आपको अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर लेना है। तो बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप कंडेंस मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, गुड़ को कद्दूकस करके डालना है और गुड़ के साथ इसमें आपको 3 चम्मच पानी भी ज़रूर ऐड करना है। अगर आपको गुड़ से भी नहीं बनानी है तो आप इसके अंदर 1/2 कप शक्कर डाल लीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो इस स्टेप पे हमने यहाँ पर गैस अभी बंद कर दी है। आपको बस इसे इतना मिला लेना है कि ये जो सारा मिश्रण है ये एक जगह पे अच्छी तरह से कलेक्ट हो जाए, उससे ज़्यादा इसे मिलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है और बस इन्हें अच्छी तरह से मैं एक बार मिला रही हूँ। तो जैसे जैसे हम इसे अभी साइड में रखेंगे ना, तो ये और भी देखो बहुत अच्छी तरह से ये कलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसमें सूजी थोड़ी मोटी ले रहे हो तो आपको इसमें दूध कंपलसरी डालना है, उतना आप याद रखिएगा। और बस इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे और अब हमें इसे ठंडा कर लेना है। तो ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बिल्कुल आपको ना हाथ लगाते आए इतना ही इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने किशमिश और थोड़ा सा घी लिया है और अब हम ले लेंगे एक साँचा। तो ये मोल्ड बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप कोई भी मोल्ड ले लीजिए। और अब इसे हमें अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लेना है ताकि ये बिल्कुल आसानी से हमारे मोदक निकल आए। ये वैसे भी निकल आएंगे क्योंकि इनमें हल्का सा हमने घी डाला था और जो हमने इसमें खोबरा डाला था उससे भी इसका ऑयल रिलीज हुआ है। और बस यहाँ पर ना ऐसे किशमिश लगाएंगे ना तो हमारे मोदक बहुत ही ज़्यादा देखने में भी सुंदर लगेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर पिस्ता भी लगा सकते हो, आप यहाँ पर रोज़ पेटल्स भी लगा सकते हो, उससे भी ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो टेस्ट इतना बढ़िया आता है और आपने देखा कुछ भी इसमें तामझाम नहीं करना है, आपको सिंगल बस इसको सारे इन्ग्रीडियंट्स को मिलाते चलना है और ये कलेक्ट हो जाए तो ठंडा करके आपको इसके मोदक बांध लेने हैं।
तो इसी तरह से मोदक में अच्छी तरह से इसे हमें ऐसे फील कर लेना है मोल्ड में, और इसे ना थोड़ा दबा दबा कर भरेंगे हम, ताकि इसका ना शेप बहुत ही सुंदर आए। और बस इसे ऐसे हमें बंद कर देना है और मेक श्योर करना है जो साइड में थोड़ा बहुत एक्सेस निकल रहा है मिश्रण, वो हमें हटा लेना है और नीचे से अच्छी तरह से इसे दबा लेना है, ताकि ना शेप इसका बहुत ही बढ़िया आ जाए। और ये देखिए कितना खूबसूरत मोदक बन करके तैयार हुआ। ये खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है, आप इसे ना ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं आपको ना एक दो मोदक और यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए, बस फटाफट से बनाइए मोदक और अपने गणेश जी को खिलाइए और खुश कीजिए, और आप भी खुश हो जाइए। बहुत ही सिंपल मेथड है ये मोदक बनाने की। कोकोनट मोदक ना बहुत ही मुझे सबसे इजी लगते हैं बनाने में, क्योंकि ना इनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और यह अच्छी बात यह है कि आप इसके लड्डू भी बना सकते हो, तो लड्डू का भी भोग आप इससे लगा सकते हो, आप चाहो तो मोदक भी बना सकते हो। तो आज की हमारी रेसिपी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गणेश चतुर्थी।